नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। कॉफी विद करण का सातवां सीजन एक बार फिर चर्चा में। आए दिन शो में आने के लिए किसी न किसी के नाम की चर्चा होती रहती है। आलिया रणबीर, सारा अली खान, अनन्या पांडे और विजय देवरकोंडा जैसे एक्टर्स का नाम शो में आने के लिए फाइनल हो चुका है और अब करण जौहर के शो की गेस्ट लिस्ट बढ़ती ही जा रही। लेकिन इस बार शो को और मजेदार बनाने की कोशिश की जा रही है और इसी कोशिश में एक लेटेस्ट अपडेट सामने आ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बॉलीवुड के तीनों खान यानी सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान करण जौहर के शो में नजर आ सकते हैं। हालांकि इसकी कोई ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई। अगर ऐसा होता है तो जाहिर है ये करण जौहर के शो के लिए इतिहास बन जाएगा। ये तीनों खान एक साथ कॉफी विद करण के किसी भी सीजन में नहीं आए। फैंस तीनों खान को एक साथ देखने के लिए हमेशा एक्साइटेड रहते हैं। अगर इनमें से दो खान भी साथ दिख जाते हैं तो फैंस एक्साइटेड हो जाते हैं और सोचिए जब तीनों एक साथ किसी शो में होंगे तो क्या होगा। वैसे तीनों खान से एक साथ इससे पहले आपकी अदालत शो में नजर आ चुके हैं। कॉफी विद करण के सातवें सीजन का फैंस बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में अगर ये तीनों ही खान शो में आए तो इसकी टीआरपी में जबरदस्त इजाफा देखने को मिल सकता है। बता दें कि इस बार कॉफी विद करण स्टार वर्ल्ड पर ऑन एयर नहीं किया जाएगा। ये शो इस बार डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर दिखाया जाएगा। वैसे आपको बता दें कि करण जौहर का ये चैट शो हमेशा विवादों में रहता है। हमेशा से ही इसे लेकर बॉयकॉट की मांग उठती रहती है। जो भी इस शो में जाता है उसकी जमकर ट्रोलिंग भी होती है। शो में स्टार्स को लेकर नए नए विवाद जन्म लेते हैं जिसके चलते बॉलीवुड पर बुरा असर पड़ता है। वैसे भी फिलहाल बॉलीवुड का कितना बुरा हाल हो रखा है ये सभी को पता है। ऐसे में अगर तीनों खान करण जौहर के इस शो में आए तो बॉलीवुड के लिए और परेशानी खड़ी हो सकती है। बात करें सलमान, शाहरुख और आमिर की तो फिलहाल तीनों ही खान अपनी अपनी फिल्मों में बिजी। शाहरुख खान के पास इस वक्त तीन तीन फिल्में हैं। पठान की वो शूटिंग कर चुके हैं और राजकुमार हिरानी की डंकी का ऐलान हो चुका है। फिल्म में उनके साथ तापसी पन्नू होंगी। इसके अलावा एटली संग उनकी फिल्म जवान का टीजर भी रिलीज हो चुका है। वहीं सलमान खान की बात करें तो फिलहाल तो वो कभी ईद कभी दिवाली की शूटिंग में बिजी हैं। इससे पहले उन्होंने टाइगर 3 के लिए भी शूट किया था। उनकी लिस्ट में किक 2 और बजरंगी भाईजान 2 जैसी फिल्में भी हैं। वहीं आमिर खान फिलहाल अपनी फिल्म लाल सिंह चड्ढा की रिलीज की तैयारियों में लगे हैं जो कि 11 अगस्त को रिलीज होगी। बताते चले कि करण जौहर का शो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीम किया जाएगा। वैसे आप कॉफी विद करण के सातवें सीजन को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं।